जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, सुषुम्ना नाड़ी क्या है? सुषुम्ना नाड़ी का क्या रहस्य है? सुषुम्ना नाड़ी ही सर्वशक्तिमान है। सारी शक्तियों का भंडार सुषुम्ना नाड़ी के अंदर है। जिसने सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य जान लिया, उसको फिर परमात्मा को जानना ज़्यादा दूर नहीं समझ लो, परमात्मा के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। परमात्मा उसको मिलेगा ही मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। प्यारे भक्तों, वैसे तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन हमारे संतों ने उनमें से शोध करके 10 निकाली थी, और 10 में से भी उन्होंने 3 निकाली जिनका नाम इंडा, पिंगला और सुषुम्ना है। देखिए भक्तों, इसको इंडा पिंगला सुषुम्ना के नाम से जानते हैं, लेकिन इनको गंगा जमुना सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। प्यारे भक्तों, यह वह नाड़ी है जो परमात्मा की सर्वशक्ति है, यानी कि परमात्मा की शक्ति तो श्वास भी है, लेकिन वो शक्ति है, श्वास जो है परमात्मा की शक्ति है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो है वो परम शक्ति है। परमात्मा सुषुम्ना नाड़ी के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं। बहुत जल्दी से जो सुषुम्ना नाड़ी को समझ लेगा, समझ लो उसने परमात्मा को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समझ ही लेगा। ये हमारा अपना विश्वास है, क्योंकि पहले इंडा नाड़ी, फिर पिंगला, और जब दोनों ये मिलती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी प्रकट होती है। और सुषुम्ना नाड़ी हमारे सारे शरीर में रहती है, लेकिन कहीं कहीं उसका स्पंदन हमारे शरीर में हमें अनुभव होता है। जैसे अंगूठा और उंगली को दबाते हैं तो होता है, जैसे नाभि में कभी कभी होता है, या हमारी जो हाथ की नाड़ी है उसमें भी होता है। और जो सर्वश्रेष्ठ उसका अनुभव करना है, वो हमने अपने आज्ञा चक्र में करना है। तो प्यारे भक्तों, अगर उसका आप सही रूपांतर करना चाहते हैं, सही से उसे समझना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप जो अपने आज्ञा चक्र पे और ध्यान लगाते रहें, और आपका ध्यान धीरे से लगेगा जरूर, लेकिन जल्दी से नहीं लगेगा। वो आपका ध्यान जब तक नहीं लगेगा, जब तक अभी आप अपने श्वासों के द्वारा घर्षण नहीं करोगे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, चाहे आपको 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, चाहे साल लगे, आप श्वासों के द्वारा उस घर्षण को करते रहें। क्योंकि घर्षण करने से ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, क्योंकि जब दो पत्थर को रगड़ते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है। ऐसे ही हमारी इंडा और पिंगला नाड़ी है, उन दोनों के घर्षण से, यानी कि उनके अभ्यास से, कि श्वास आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो उससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी अपने आप खुलती है। और वह आज्ञा चक्र में जब खुलती है तो स्पंदन होने लग जाता है, और उस स्पंदन जब होने लग जाता है तो वही हमारा 10वां द्वार भी है, वो हमारा आज्ञा चक्र भी है, वो शिव जी की तीसरी आँख भी है। यानी कि जब 10वां दरवाज़ा खुलता है, 10वां दरवाज़ा खुलते ही जब अंदर प्रवेश होता है, तो वहीं पर ब्रह्म, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, उसकी ज्योति जलती हुई नज़र आती है। तो लेकिन प्यारे भक्तों, ये इतने जल्दी से नहीं होगा, लेकिन अभ्यास करोगे तो ज़रूर होगा। इसलिए आप सुषुम्ना नाड़ी को और खोलने का प्रयास करें और अभ्यास करें, लेकिन होगा ये श्वासों के द्वारा। पहले श्वासों के द्वारा इसका अभ्यास करें, फिर अपने आप इसका अभ्यास होने लगेगा, करना नहीं पड़ेगा। और जब इसका अभ्यास आप करने लगेंगे तो परमात्मा समझ लो आपके पास आ चुके होंगे, क्योंकि दरवाज़ा खुलते ही, 10वां दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले तो ये होगा कि आपका जो मन है निर्विचार होने लग जाएगा। आपको निर्विचार करने की ज़रूरत नहीं है। लोग मन को निर्विचार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन निर्विचार होगा नहीं जब तक आप आज्ञा चक्र के पास नहीं जाओगे, सुषुम्ना नाड़ी के साथ नहीं जुड़ोगे, तब तक आपका मन एकाग्र होगा नहीं। और जब आपका मन एकाग्र नहीं होगा तो आपको उस परमात्मा के, उस ज्योति के दर्शन होंगे नहीं। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे कि सुषुम्ना नाड़ी क्या है, सुषुम्ना नाड़ी आपकी कैसे खुलेगी। हमने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, उनको ध्यान से सुने। आप केवल और केवल पहले श्वासों पर ध्यान दें, उसके बाद में वो जो भी आपका प्रैक्टिकल वो पूरा होगा, तो आप
की सुषुम्ना नाड़ी अपने आप आज्ञा चक्र में खुलेगी और वो दरवाजा खुलते ही आपको परमात्मा का दर्शन होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।